आज जो हम लोग खिचड़ी बनाए थे वो कैसा बना था बोलिए तो। आज का खिचड़ी बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और जब हम लोग खाए तो हम लोग को खाने में बहुत ही अच्छा लगा, काहे कि टेस्टी बहुत बना था। मॉर्निंग दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जा रहे हैं सरायकेला, सरायकेला में हम लोगों का मीटिंग है। नौ प्रखंड से हमारे दोस्त लोग आने वाला है और उन्हीं लोगों के साथ मीटिंग होने वाली है। ठीक है दोस्तों, मेरा घोड़ा निकल चुका है और हम इसमें सवारी होकर जाएंगे और सीधे चलते हैं सरायकेला, फिर वहां का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को। सरायकेला पहुंच गए हैं दोस्तों, अभी जहां हम लोग का मीटिंग होने वाली है वहां पर जाएंगे। यही जगह पे हम लोग का मीटिंग होने वाली है और यहां हम पहुंच चुके हैं और चलते हैं। हम लोग का वहां खिचड़ी का व्यवस्था है, वहां पर देखते हैं क्या क्या बन रहा है। दोस्तों, जहां खिचड़ी बन रहा है वहां पहुंच चुके हैं और हमारे जो नौ प्रखंड के जो साथी है उन लोगों के लिए खिचड़ी बनाया जा रहा है। देखिए खिचड़ी कैसे बन रहा है, बहुत स्वादिष्ट बन रहा होगा वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, जहाँ पे मीटिंग होने वाली है वहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, साफ नहीं दिखाई देगा। चलिए वहाँ जाके नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है और अभी जो भी खिचड़ी उचड़ी बनी है वो सब सबके लिए बनी है, वो सब अभी सबको देंगे और इसके बाद और दूसरी जगह का नज़ारा दिखाएंगे। नमक नमक दोस्तों, सबको खिला पिला दिए हैं और अभी वो लोग अपना अपना घर चल गया है और मेरा भी काम ख़त्म हो गया है और मैं भी घूमते घूमते घर की ओर जाऊंगा और आगे का नज़ारा जो भी आएगा मैं वो सब दिखाऊंगा। दोस्तों, यहाँ से निकल गए हैं, अभी जा रहे घर की ओर। दोस्तों, ये साइड का रास्ता है और यही रास्ता सरायकेला का मेन रोड तक निकलेगी। और ठीक है दोस्तों, अभी यहीं तक और आगे जाते जाते आगे का नज़ारा दिखाएंगे। मेन रोड आ गए दोस्तों, अभी जा रहे हैं, थोड़ा जिला में काम है वहाँ पर थोड़े घुसेंगे। मेन रोड आ गए दोस्तों, अभी जाएंगे जिला और जिला में थोड़ा काम है वहाँ पर काम कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे घर की ओर बढ़ेंगे। पहुँच गए हैं दोस्तों, अभी अंदर की ओर जाएंगे। यही जिला है दोस्तों, देखिए अंदर का नज़ारा, सामने की ओर जाते हैं। देखिए दोस्तों, थोड़ा सामने आ गए हैं, ये जिला है। ये देखिए इतने सारा लोग हैं, सबका अपना अपना काम में सब आए हैं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये हम लोग का डीसी ऑफिस और बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो आगे भी है। देखिए दोस्तों, ये इसका रास्ता है डीसी ऑफिस आने का और इधर से भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। दोस्तों, डीसी ऑफिस के बगल में ही बिरसा मुंडा का प्रतिमा है, ठीक से नहीं दिख रहा है जैसे झाड़ी सब है, और हो सके तो हम अगर दिखेगा तो आगे से दिखाएंगे। देखिए यहाँ से बिरसा मुंडा का प्रतिमा दिख रहा है, जूम करके लेना पड़ रहा है, सामने से वो झाड़ी है इसलिए अंदर भी नहीं जा सकते हैं, इसलिए बाहर से ले रहे हैं। दोस्तों, अभी घर नहीं जा रहे हैं, जिसमें खिचड़ी बनाए थे और डेग में अभी जाके धोना है, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाएंगे। आज सरायकेला का हाट भी है, सोच रहे हैं हाट तरफ जाएंगे, अगर हाट तरफ जाते हैं तो हाट का नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, बर्तन धोना हो गया है, अभी घर जा रहे हैं और हाट जाएंगे सोच रहे थे लेकिन शाम हो गया है इसलिए नहीं गया है, अभी घर की ओर जा रहे हैं। साथ में हमारा दोस्त है, देखिए साथ में ये भी गए थे, अभी
घर की ओर जा रहे हैं, वो अपना घर जाएंगे और हम अपना घर जाएंगे। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, सूर्यास्त होने वाली है और थोड़ी देर में सूरज का नज़ारा भी नहीं आएगा। अभी यहाँ रास्ता में रुके हुए हैं, मेरा दोस्त को बोझो से ठंड लग रही है इसलिए वो जैकेट पहन रहा है, और यहाँ से सीधा निकलेंगे। अब एक ही साथ जाएंगे, बीच में रास्ता डिवाइड हुआ है, वो अलग रास्ता जाएंगे और हम अलग रास्ते में जाएंगे। दोस्तों अगला रास्ता थोड़ा घुमावदार है और आगे से गाड़ी आ रही है, इसलिए हम धीरे धीरे जा रहे हैं। यहीं पर ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है इसलिए धीरे धीरे जा रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा डाउन है इसलिए धीरे जाने से भी बहुत स्पीड में दिखाई देता है। तो ये नदी संजय और सिनीमोड़ के बीच में है और इसको सोना नदी बोलते हैं इसको, और हम लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, बाइक है मेरा। आज जो हम लोग खिचड़ी बनाए थे वो कैसा बना था बोलिए तो? आज का खिचड़ी बहुत ही अच्छा बना था और बहुत ही स्वादिष्ट बना था, और जब हम लोग खाए तो हम लोग को खाने में बहुत ही अच्छा लगा, काहे कि टेस्टी बहुत बना था। हेलो दोस्तों, हम लोग सोना नाला के ऊपर पुलिया में खड़े हैं और अभी घर पहुंचने में तो लेट हो जाएगी इसलिए आगे का नज़ारा नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो। और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।